हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग सीट। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में कंपोनेंट ऑफ या टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी, यानी कार्य अध्ययन के तत्व अथवा तकनीकें। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हम एक अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्य अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित समग्र गतिविधियों, यानी जैसे कि आपका मेथड्स क्या यूज़ है, मटेरियल, मैन, इक्विपमेंट्स ईटीसी का अध्ययन करेंगे एवं सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण किया जाएगा। किसका? मेथड्स का, मटेरियल्स का, मैन, इक्विपमेंट, इन सभी का। और इस प्रकार सूचीबद्ध किया जाता है कि उसके अध्ययन स्टडी एवं अनुसंधान, यानी स्टडी एंड रिसर्च द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों तथा चेष्टाओं को खोजा जा सके जो कि अनावश्यक है और जिन पर समय एवं श्रम अव्यय हो रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान समझना है कि कार्य अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित समग्र गतिविधि, यानी मेथड हो गया, मेथड, मटेरियल्स, मैन, इक्विपमेंट्स ईटीसी का अध्ययन एवं सूचनात्मक विश्लेषण किया जाता है तथा इस प्रकार सूचीबद्ध किया जाता है कि उसके अध्ययन एवं अनुसंधान द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों तथा चेष्टाओं को खोजा जा सके जो अनावश्यक है और जिन पर समय का सम अपव्यय हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्क स्टडी का चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ अ वर्क स्टडी, जो कि यहाँ पर मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट और हायर प्रायोरिटी, यानी मेथड स्टडी के अंतर्गत किया जाएगा टू सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क। वर्क मेजरमेंट, जिसको अंतर्गत आता है टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द हायर प्रोडक्टिविटी। वर्क स्टडी में तीन तरह से चीज़ें हम पता समझते हैं कि पहला होता है मेथड स्टडी, जिसमें कि हम ये देखते हैं टू सिंप्लीफाई करना जॉब को और डेवलप करना मोर इकोनॉमिकल मेथड फॉर डूइंग वर्क। फिर वर्क का मेजरमेंट विद टाइम स्टडी के रिस्पेक्टिव टू डिटरमाइन करना द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन एंड हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमने बात करी है यहाँ पर उपयोग के आधार पर इन सब का अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्य विधि अध्ययन, यानी मेथड स्टडी। एक होता है कार्य समय मापन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क मेजरमेंट टेक्निक। तो यहाँ पहले बात करते हैं कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी की। तो कार्य विधि अध्ययन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी, एवं समय अध्ययन यानी टाइम स्टडी, दो अलग अलग प्रकार या भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अलग अलग जो गतिविधियाँ, विभिन्न गतिविधियों पर जो व्यय हो रहे हैं, समय का अध्ययन है टाइम स्टडी और रिसर्च यानी अनुसंधान आवश्यक है, तभी कार्य विधि का जो अध्ययन है वो सार्थक होता है। आगे हम बात करते हैं तो सर्वोत्तम यानी बेस्ट और एवं दक्ष, इफिशेंट और मितव्ययी विधि यानी इकोनॉमिकल मेथड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्तमान विधि यानी एग्जिस्टिंग मेथड का सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है तथा समय एवं श्रम के अपव्यय को तथा वर्तमान कार्य विधि में हो रहे अनावश्यक कार्य को रोककर नवीन, सरल तथा प्रभावी विधि विकसित करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादन संबंधी समस्त प्रक्रियाओं तथा उत्पादन विधियों का मानक स्थापित करना तथा श्रम या प्रयास शक्ति को उपयोगी तथा अनुकूल मार्ग पर संचालित करना है। आगे जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्य विधि अध्ययन को निम्न ढंग से परिभाषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेथड स्टडी इज़ द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग और क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे है ऑफ डूइंग वर्क का एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग और अप्लाइंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मैथड्स एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। कार्य विधि अध्ययन यानी हो जाएगा मैथड स्टडी के अंतर्गत सबसे
पहले उस कार्य का को अध्ययन के लिए चुना जाता है जिसमें सुधार करना हमारा उद्देश्य होता है। इससे अनावश्यक श्रम, समय तथा गतियों को दूर करके उत्पादन लागत कम किया जाता है तथा उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। आगे बात करें तो अनावश्यक कार्य एवं गतिविधियों को दूर करने के लिए पूरे कार्य चक्र यानी वर्क साइकिल का विस्तृत अध्ययन यानी प्रक्रम चार्ट यानी प्रोसेस चार्ट मानव द्वारा मशीन पर किए गए कार्यों को मानव मशीन चार्ट तथा कार्य स्थल पर मानव द्वारा की जा रही गतिविधियों का अध्ययन बाएं एवं दाएं हाथ चार्ट यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट की सहायता से किया जाता है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कार्यस्थल पे किए जा रहे श्रमिक के दोनों हाथों के उपयोग का सूक्ष्म अध्ययन यानी कार्य विधि अध्ययन की एक विशेष तकनीक या माइक्रो मोशन स्टडी द्वारा किया जाता है जिससे चलचित्र अथवा वीडियो कैमरे का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उपरोक्त सभी जो विधियाँ हैं उपयोग में सर्वोत्तम विश्लेषण सिंथेसिस किया जाता है और कोई भी विधि सर्वोत्तम तभी मानी जाती है जब वह हर प्रकार से सरल, सुगम, हितकर, लाभप्रद एवं किफ़ायती यानी इकोनॉमिकल सिद्ध हो। यह किफ़ायती श्रम के साथ साथ उत्पादन में लगी पूंजी में भी होनी चाहिए। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रत्येक उद्योग के लिए किसी एक सर्वमान्य सर्वोत्तम कार्यविधि का निर्माण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक विधि जो किसी एक उद्योग के लिए सर्वोत्तम हो सकती है वह किसी अन्य उद्योग के लिए नितांत प्रभावहीन हो सकती है। आगे जो हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि अतः नई उपयुक्त जो कार्य विधियों का निर्माण करते समय हमें कार्य विधि अध्ययन एवं इसके व्यवहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा ताकि उत्पादन कार्य इस नवीन कार्य विधि में से कम सार्वधिक मितवई ढंग से पूर्ण किया जा सके तथा सर्वदा लाभप्रद स्थिति बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।